नमस्ते, मैं अनु छाबड़ा। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस खूबसूरत से फूल जिसका नाम है जरबेरा। यह साधारणतः पूरे साल भर पाया जाता है। हम इसे उगा सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में और बहुत ज़्यादा बारिशों के मौसम में। इन दो सीज़न के अलावा इसे साल भर हम बहुत अच्छे से उगा के इनसे फूलों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा पौधा है, बहुत सारे रंगों में उपलब्ध है, हर जगह की क्लाइमेट में अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर लेता है, इजी ग्रोइंग है। तो अगर कोशिश करें तो हमें लगता है कि हम सभी इसे ज़रूर अपने बालकनी या टेरेस गार्डन में उगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए इसकी मिट्टी की। अगर हमें इस पौधे को एक अच्छी सी वेल ड्रेन्ड सॉइल और रिच सॉइल देनी है तो उसके लिए हमें चाहिए बालू या सैंड, हम जिसे कहते हैं कोकोपीट। अगर आपकी जिस एरिया में आप रहते हैं कोकोपीट नहीं उपलब्ध है तो आप उसकी जगह सूखी पत्तियां ले सकते हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, या अगर आपके पास एरोबिक कंपोस्ट है जो आप घर पे तैयार करते हैं वो भी ले सकते हैं। और मिट्टी, इस मिट्टी का रंग कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि उनकी वहाँ की मिट्टी लाल रंग की नहीं है, तो क्या हमें दूसरे रंग की मिट्टी या फिर हमें अमेज़ॉन से या कहीं और से खरीदनी पड़ेगी मिट्टी? तो मैं कहना चाहूँगी कि मिट्टी, खाद, बालू, ये सारी चीज़ें कोशिश करें कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ से लोकली सोर्स करें। हाँ, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे नारियल के पेड़ नहीं हैं, स्पेशली आप कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली या उससे ऊपर की तरफ जाएं, तो आपको कोकोपीट नहीं मिलती है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बदले सूखी पत्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आपने इन चारों चीज़ों को इक्वल प्रोपोर्शन में ले लिया, उस पूरे सब मिक्सचर में आप थोड़ा सा, एक या दो मुट्ठी आप कह सकते हैं नीम ऑयल केक्स का पाउडर डाल दीजिए। नीम ऑयल केक का पाउडर हमारे सॉइल में या मिट्टी में किसी भी तरह के फंगल अटैक को या कोई भी ऐसा इंसेक्ट या वर्म्स उसमें हैं जिसकी हमारे पौधे की को ज़रूरत नहीं है, उसकी वो बहुत अच्छे से आप कह सकते हैं ध्यान रखता है। तो इस तरह की मिट्टी जब हम तैयार करते हैं तो हमारी एक बहुत वेल ड्रेन्ड सॉइल रेडी होती है जो हमारे पौधों को बहुत पसंद है। अब इस पौधे को उगाने की बात करें तो हम इसे बीजों से, या आप कह सकते हैं कि इसके जो छोटे छोटे अपने आप ही, जैसे ये पौधा बढ़ता है इसमें छोटे छोटे नए पौध निकलनी शुरू हो जाती है, समय समय पर हम उसे अलग कर सकते हैं और उन्हें नए पॉट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस पौधे को देखा जाए तो इसे रूट बाउंड होना बहुत पसंद है, जिसका मतलब है कि छोटे गमले में इसे लगाया जाए। अगर हम इसे बड़े गमले में लगाएंगे तो इसकी जड़ों को फैलने की जगह मिल जाएगी और हम उस गमले की ज़रूरत के हिसाब से मिट्टी में पानी भी ज़्यादा देंगे, जिसे इस पौधे को पसंद नहीं आएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जब भी हम इस पौधे को लगाएं, पॉट की गहराई और चौड़ाई आप कह सकते हैं 5 से 6 इंच से ज़्यादा ना हो। इस तरह की पॉट साइज़ में अगर आप इसको लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और ये कम समय में ही फूल देने लग जाते हैं। अगर हम इसकी खाद देने की बात कहें तो कोई भी फूलों का पौधा, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट फॉस्फोरस और पोटेशियम की, नाइट्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा रहती है। तो जब ये पौधा अपनी छोटी अवस्था में है, पत्ते निकाल रहा है, उस समय हम इसे कंपोस्ट, गोबर की खाद, अच्छी जो सड़ी हुई गोबर की खाद है वो, या कंपोस्ट ही आप दे सकते हैं, जो भी आपके पास आराम से उपलब्ध है आप वो दीजिए। जब आपको लगे ये अपनी फ्लावरिंग स्टेज में पहुंच गया है, अब इसके फूल खिलने का समय आ गया है, उस समय आप इसे फॉस्फोरस या पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर्स दे सकते हैं, जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि बायो एंजाइम हम बनाते हैं, बनाना पील फर्टिलाइज़र बनाते हैं, उसके थ्रू दे सकते हैं। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप रॉक फॉस्फेट दे सकते हैं,
या समय समय पे इस पौधे को आप अनियन पील फर्टिलाइजर, प्याज के छिलकों का रस मैंने आपको बताया है लिक्विड कैसे बनाना है, वो भी दे सकते हैं। उसमें सल्फर की मात्रा अच्छी होती है जो फूल वाले पौधे बहुत पसंद करते हैं, और उसके प्याज की स्मेल, उसकी दुर्गंध की वजह से आप कह सकते हैं इतनी स्ट्रांग होती है उसकी स्मेल कि कोई भी पेस्ट अटैक जो है वो पौधे में होने से पहले ही बच जाता है हमारा पौधा। तो बहुत सिंपल पौधा है, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता है, साल भर हमें अच्छे अच्छे फूलों के दर्शन कराते रहता है। तो मुझे लगता है कि इतनी अच्छी चीज़, इतनी सुंदर चीज़, तो हम इसकी खूबसूरती से वंचित क्यों रहें। हम अगर आप कोशिश कर सकते हैं, आपके आस पड़ोस में, आपके बंधुओं ने, किसी ने अगर ये उगाया है तो एक छोटा सा पौधा उनसे ले आइए, नहीं तो बाज़ार में ये हर जगह कॉमन पौधा है, हर जगह मिलता है। कोशिश कीजिए अभी आने वाले कुछ महीनों में इसके पूरा फुल ब्लूमिंग सीज़न जिसे कहते हैं, इसका अभी सीज़न आने वाला है, तो आप इसके मज़े लीजिए। और कैसा लग रहा है ये आपको उगाने के बाद, उसे इसकी फीडबैक मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए मेरा चैनल और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।